गांव-गांव में अस्पताल बनाए, कोनो का छत टूट रहा है, कोनो के बेड पे भैंस चढ़ल है, तो कोनो के डॉक्टर नहीं जा रहा है, कोनो को पूछे नर्स जाके ऑपरेशन कर दे रही है। भागलपुर से, पूर्णिया से, कटिहार से, गोपालगंज से, गया से कहां आ रहा है पत्र। कोई बढ़िया डॉक्टर जाना ही नहीं चाहिए। हर जिला में एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए जो वर्ल्ड लेवल का, उसके बाद डॉक्टर के पीछे अधिकारी लगा के पहुंचा जाएगा, सस्पेंड कर देंगे तुमको, जाओ नहीं तो। हमारे यहाँ पीएमसीएच पटना में हॉस्पिटल है, बेचारा उस सबके डॉक्टर को ना मतलब मत पूछिए। 500 अगर बेड की कैपेसिटी है, सपोज कीजिए कि हड्डी डिपार्टमेंट है, उसमें 500 बेड की कैपेसिटी है, लेकिन 5000 भी आएगा ना तो डॉक्टर पे प्रेशर है, आपको लेना ही है। आप चाहे जमीन पे बैठाइए, चाहे कहीं हो बैठे, आप नहीं भेज सकते। बताओ दरभंगा से रिफर होके आ रहा है कहाँ पे, पटना, माने बीच में कोनो अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाए हम लोग। भागलपुर से, पूर्णिया से, कटिहार से, गोपालगंज से, गया से कहाँ आ रहा है पटना, इसका मतलब हम लोग ने बीच में कुछ किया ही नहीं, उठा के कहाँ आ रहा है पटना में। तो भाई हेल्थ सिस्टम तो कोलैप्स करेगा ही करेगा। अब सपोज कीजिए किसी पीएमसीएच वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, सब हमारी मांगे पूरी करो पूरा पूरा कोलैप्स कर जाएगा। बीच में हम लोग ने बनाया कुछ, कुछ भी नहीं बनाया, किए क्या हम लोग, पंचायतों से प्रेरित होके ऐसा ऐसा गांव में अस्पताल खोजले हैं कि जहां भैंस को जाने में डर लगता है। कोना में देखिएगा सामुदायिक विकास, कोई पंचायत वो रहेगा अस्पताल वगैरह, कोई बढ़िया डॉक्टर जाना ही नहीं चाहेगा, और उसके बाद डॉक्टर के पीछे अधिकारी लगा के कोचा जाएगा, सस्पेंड कर देंगे तुमको, जाओ नहीं तो, जाओ ये करो। कौन जाना चाहेगा वो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर बना है एटलीस्ट वो 10 साल पढ़ाई किया है, 6 साल तो का MBBS में लग गया, इंटर्नशिप, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, MBBS तो सबको करना है, उसके बाद वो हार्ट का बनेगा, हड्डी का बनेगा, न्यूरो का बनेगा, कम से कम वो 10 साल पढ़ा है। और जितना भी मेडिकल कॉलेज है वो बड़े शहर में है, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल शहर टाइप का है। जिला लेवल पे अस्पताल होना चाहिए बहुत बड़ा, पीएमसीएच टाइप का, हर जिला में एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए जो वर्ल्ड लेवल का हो, और बाकी जितना गांव का बजट वजट है वो एम्बुलेंस में डाल दो, एम्बुलेंस में डाल दो भाई, कुछ हुआ ला दो एम्बुलेंस में ले चलो। सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, 40 मिनट में जिला में पहुंच जाए, हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ा होना चाहिए, खत्म। करप्शन भी कंट्रोल रहेगा, आपको एक ही अस्पताल को कंट्रोल करना है, 10 गो अधिकारी उतार दीजिए वहीं पे, 2 शिफ्ट में डॉक्टर बैठाओ दिन रात, वो तो डॉक्टर इमरजेंसी में बैठते ही। ऐसे हम लोगों ने क्या किया है, गांव गांव में अस्पताल बनाए हैं, कोनो का छत टूट रहा है, कोनो के बेड पे भैंस चढ़ल है, तो कोनो पे डॉक्टर नहीं जा रहा है, कोनो को कुछ है, नर्स जाके ऑपरेशन कर दे रही है। अरे तुम हंस रहे हो, होता है ये, हम तो नर्स फिर भी बोल दिए, वो कर भी सकती है एक्सपीरियंस के दम पे, सफाई कर्मी करा देता है, नहीं समझा गया। तो ये सिस्टम अच्छा, हम ये सिस्टम कैसे बोल रहे हैं, हम ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये अमेरिका में यही सिस्टम है। अमेरिका में गांव पे ब्लॉक लेवल पे अस्पताल नहीं मिलेगा आपको, आपको वहां अस्पताल मिलेगा जिला पे। सड़कें इतनी बेहतरीन है कि आधा घंटे में आप जिला में पहुंचेंगे, और एम्बुलेंस का साइज वहां बड़ा है, क्रिटिकल दवाइयां एम्बुलेंस में मिलती हैं जो आपको 40 मिनट तक कुछ होने नहीं देगा, कुछ भी हुआ धाय दे। अच्छा अब इसमें लोग कहेंगे कि अगर केस बिगड़ गया एम्बुलेंस में तब, तो बबुआ जो गांव में अस्पतालवा खोले हो ना, एम्बुलेंस से ज्यादा उस अस्पतालवा में केस बिगड़ेगा कोई डॉक्टर नहीं है उसमें तो लेके जाओ भैया एकदम सीधे कहां ले जाओ जिला में। अब बड़े लेवल पे रहेगा कंट्रोल, पूरा CCTV हैं तेन मॉनिटरिंग उटरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके कर दो यहां पर, नहीं समझे। लेकिन नहीं, उसको भी पंचायत टाइप का तोड़ दिया है, जो हर गांव गांव पे क्या होना चाहिए मेरा अस्पताल, हाँ टीकाकरण होना चाहिए गांव गांव पे, जैसे पोलियो हो गया, ये सब चीज हो गया यहाँ पर।